इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम का ये किचन है, हम लोग यहाँ पे खाना बना सकते हैं। मेरे रूम से अगर आप व्यू देखोगे तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस है। बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए इसे बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है। सो दिस इज आवर बोर्ड। सो ये जो रूम है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड टू रूम फ्लैट। तो यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ दो रूम्स हैं और यहाँ पे हमें एक किचन स्पेस मिलता है जो मैं आपको या दोनों शेयर करते हैं, एंड वी हैव अ शेयर वॉशरूम। तो यहाँ का जो स्पेस है वो इस तरह से है। एंड इफ आई कुड जस्ट क्विकली शो यू व्हाट इज देयर इन द कॉमन एरिया फॉर मी एंड प्रिया। तो ये एक हमें एक प्लेटफॉर्म टाइप मिलता है वेयर वी कैन यू नो सिट। यहाँ पे दो चेयर्स मिले हैं, दिस इज वेयर वी कैन सिट, हमारा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं एंड कैच अप। सो इट्स लाइक दैट। वापस रख देती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे कैबिनेट है, बहुत सारे स्टोर करने के लिए स्टफ है। एंड वी हैव अ माइक्रोवेव हियर जहाँ हम लोग खाना गरम कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली मैंने कुछ रखा था, सो खाना गरम कर सकते हैं इसमें, जो कुछ भी हमें अगर जल्दी बनाना हो, गरम करना हो तो। फिर यहाँ हमको दिया गया है एक छोटा फ्रिज। And then this is the kitchen area. Electric heating system का ये किचन है, हम लोग यहाँ पे खाना बना सकते हैं। इंडक्शन बेसिकली लाइक इंडक्शन पे जैसे हम खाना बनाते हैं उस तरह से यहाँ हम लोग खाना बनाते हैं। एंड यहाँ पे हमें मिलना है एक ओवन। सो दिस इज लाइक ओवन, यहाँ हम लोग बनाते हैं खाना। एंड दिस लाइफ सेवियर इज दिस थिंग जो मम्मी ने हमें भेजा था। यहाँ पे हमने इतने बार खिचड़ी बना के खाया है, इतने बार पेट भरा है। खिचड़ी इज रिलेटेबल, इजीली बन जाता है, इजीली खा के आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत बार खिचड़ी बनाया इसमें। एंड दिस इज द क्लीनिंग एरिया जहाँ हम लोग बर्तन साफ करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है डिश वॉशर। सो यहाँ पे जो भी गंदे डिशेज है, यूज डिशेज है, वो सब हम इसमें रख सकते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज ये जो डिशेज है, दे हैव टू बी डिश वॉशर फ्रेंडली। आप सारे कोई भी तरीके के बर्तन जो हम लोग यूज करते हैं इंडिया में कभी कभी, वो सब नहीं डाल सकते हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि ये डिश वॉशर में धोने लायक बर्तन हो। एंड सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे, यू कैन यू नो पुट प्लेस योर सोप वहां पे, तुम लोग डाल सकते हो एंड ये धुल जाता है। सो दिस इज हाउ वी हैव वन। और यहाँ पे हमें एक डस्टबिन का एरिया भी मिला है। सो या दैट इज इट। एंड यहाँ पे भी बहुत सारे कैबिनेट्स एंड हियर वी हैव फायर सेफ्टी के लिए एक ब्लैंकेट दिया जाता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन केस कुकिंग के टाइम पे अगर कुछ हो गया तो। एंड देन वी हैव बोथ, वी बोथ शेयर अ बाथरूम या तो वॉशरूम। तो हेलो, यहाँ पे शावर रूम है, यहाँ पे जहाँ हम लोग कैन टेक अ शावर। एंड देन देयर इज अ टॉयलेट हियर एंड देन वी हैव वॉश बेसिन। तो अभी मैं रूम टूर दूंगी मेरा। एंड इफ आई टेक यू गाइस इनसाइड, तो सबसे पहले तो इस डोर को पुश करने के लिए बहुत मेहनत लगता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट वी हैव। तो उसे बहुत पुश करना पड़ता है बिकॉज दिस इज लाइक अ फायर डोर, तो ये थोड़े थिक आते हैं। So if you enter with me, this is my room in a glance. Yes. So first of all, अगर मैं आपको ये area के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे एक mirror है, a big mirror, so that if you get ready, you can just see yourself there and you can move out. Thank you, Priya. So this is the mirror there here. और यहाँ पे मतलब या यू कैन पुट योर कोट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे मोस्टली मेरी चीजें रखती हूँ। एंड दिस इज लाइक अ वेरी स्मॉल वार्डरोब। यहाँ पे यूजुअली मैं मेरे विंटर जैकेट्स एंड शूज एंड ये सारी चीजें ही मैंने रखे जो मैं हैंगर पर रख सकती हूँ। सो दिस इज फॉर दैट एंड सम ऑफ माई सूटकेसेस। और ये है मेरा बेल्ट
और बेल्ट के ऊपर जो ये है ये स्टोरेज एरिया है, तो यहाँ मैं बुक्स रखती हूँ कभी कभी, थोड़े बुक्स मेरे ट्रावल में भी है। एंड यहाँ पे कैबिनेट्स है, यहाँ पे भी स्टोरेज का स्पेस है। एंड मोस्टली जो भी कपड़े हैं वो कपड़े मैंने इस दो ड्रार्स के अंदर रखे हैं, तो मेरे कपड़े जितने भी है वो सारे फिट हो जाते हैं इसमें मोस्टली। सो दिस इज माई फॉर माई क्लोथ्स। एंड देन इफ यू सी दिस इज अ वेरी बिग स्टडी टेबल दैट आई हैव हियर। तो यहाँ पे और यहाँ पे दो ड्रार्स है, इसके अंदर मैंने बुक्स रखे हैं। एंड इफ आई जस्ट शो यू क्लोजली, यहाँ पे जो तीन चीजें हैं, यहाँ पे सॉकेट्स है, चार सॉकेट मिले हैं। एंड दिस इज द वाईफाई दैट आई एंड प्रिया यूज, हम दोनों के रूम के लिए ये वाईफाई कनेक्शन है। एंड बिकॉज मेरा जो लैपटॉप है वो इंडिया का है, तो मेरा जो सॉकेट के लिए मुझे ये एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, बिकॉज दिस इज द यूके एक्सटेंशन। बट इट कम्स हैंडी बिकॉज आई हैव दिस बोथ थिंग्स, यहाँ पे यूएसबी प्लग्स है तो मैं वायर से चार्ज कर सकती हूँ, सो इट्स वेरी हेल्पफुल। एंड स्टडी टेबल में लैपटॉप, एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के पास कुछ स्नैकिंग का चीज़ें रहते हैं, तो आई ऑल्सो कीप बिस्किट्स, चॉकलेट, समथिंग्स लाइक दैट। एंड ऑल्सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे आई कैन यू नो पुट अप माई डेडलाइंस, नोटिफिकेशन, थिंग्स लाइक दैट, जो भी मुझे फॉलो करने हैं, मोटिवेशनल कोट्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड अगर मैं आपको मेरे रूम के बाहर का व्यू बताऊँ, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये यहाँ का बाहर का जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिखता है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी रिफ्रेशिंग और बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है, स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप टू डू माई स्टडिंग। आई टेक अ माई कप ऑफ टी, जो भी मेरा चाय है वो मैं लेके यहाँ बैठती हूँ और यहाँ का व्यू देखती हूँ। एंड आई ऑर्गेनाइज माई थाट्स कि आज के क्या असाइनमेंट्स है, क्या प्रोजेक्ट्स है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है व्यू देख कर भी। एंड इट रिमाइंड्स यू ऑफ योर पर्पस इन लाइफ एंड ऑल्सो इट्स रियली लाइक इंस्पायरिंग एज वेल। तो ये मेरा व्यू है एंड ये विंडो है, तो आप ये विंडो इस तरह से खोल सकते हो, टेक सम फ्रेश एयर। मोस्टली विंटर्स के टाइम तो ये शट ही रहता है बिकॉज बहुत ठंड लगती है, बट गर्मी के टाइम इट वॉज अनबेरेबल ईयर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी लंदन में तो ये खोलना बहुत ज़रूरी हो गया था, बट नाउ इट्स प्रीटी मच प्लेजेंट एंड या दैट इज़ वाई। एंड ऑल्सो बहुत जब गर्मी लग रही थी तो वी हैव बॉट दिस स्मॉल फैन जिसने हमको बहुत सारा दिया, इट लुक्स लाइक एन एग्जॉस्ट फैन बट ट्रस्ट मी ये छोटे से फैन की जो हवा थी उसने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिलाया, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ मेरे लिए। And overall, this is my room. Like this has been my space for my LSE journey, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा support किया. I got that privacy that I needed to organize my thoughts. और बहुत ज़्यादा मुझे अपना comfort मिला इस place में. This is my room and let's see Priya का room का tour कैसा है. So हमने प्रेम का room देख लिया है और अब चलते हैं मेरे room में क्या अलग है. So let's find out. ये है मेरा रूम एंड आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम मिरर वर्जन है प्रियंका के रूम का. तो जैसे यहाँ पे है मेरा जो डोर है और यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा कबर्ड है जहाँ पे मैं सामान रखती हूँ, मेरे कपड़े सब ऐसी है लेकिन वो यहाँ पे रखती हूँ मैं. उसके बाद ये है मेरा रूम, यहाँ पे बेडरूम पे मैं सो रही हूँ आराम से. एंड यहाँ पे भी है थोड़े से स्टोरेज के लिए जो चीज़ें हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा चीज़ें यहाँ नहीं रखी हैं. मेरा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैग है, वो मैं कहीं भी नहीं रख सकती, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो वो यहाँ पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं एडजस्ट हो रहा है, तो उसको मैंने एक साल तक यहीं पर रखा है. और वैसे ही है, यहाँ पे भी मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं. और ये मेरा जो डेस्क है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है. और मेरे रूम से अगर आप व्यू देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस है. और ये व्यू ने मेरा बहुत दिन बनाए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम्स ऐसे थे जब मैं डिप्रेस्ड रहती थी, एंशियस हो जाती थी, तो मैं सिर्फ यहाँ से बाहर देखती थी एंड ये मुझे एहसास दिलाता था कि मैं लंदन में हूँ. और वो ऑटोमेटिकली मुझे एक स्माइल आती थी मेरे फेस पे देखकर ये व्यू को. और ये है कुछ रिमाइंडर्स, यहाँ पे हम लोग हमारे टाइम टेबल्स रख सकते थे या टू डू लिस्ट रख सकते थे, थोड़े मोटिवेटिंग कोट्स थे तो वो मैंने यहाँ पे रखा है, तो जो मुझे हमेशा याद दिलाता है माई पर्पस हियर. और
यहाँ पे भी है मेरी स्टोरेज जहाँ पे मैं सब बुक्स या तो फिर मेरे कुछ चीजें हैं वो मैंने रखा है यहाँ पे। बट ओवरऑल आई एम सो मच इन लव विद दिस रूम, क्योंकि जब से मैंने ये रूम में एंटर किया था मुझे आई फेल इन लव विद इट ऑलरेडी, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल है और ऐसा एक भी दिन नहीं है जहाँ पे हमको अच्छी नींद नहीं आती थी यहाँ पे। ऑब्वियसली एंजाइटी और एग्जाम के टेंशन से नींद नहीं आती थी, बट दिस प्लेस वॉज सो ब्यूटीफुल, इट वॉज लाइक अ सेकेंड होम, दिस अ सेकेंड होम एंड दिस प्लेस हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ टीयर्स, हैप्पीनेस, जॉय, लाइक एवरीथिंग। एंड स्पेशली जब कोविड के टाइम पे हम यहाँ पे आए थे तो इस प्लेस ने हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा अकोमोडेशन दिया है, हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा है। एंड दिस बिल्डिंग अगर आप देख सकते हो तो ये 26 फ्लोर्स है, लेकिन यहाँ पे हम 5th फ्लोर पे रहते हैं। आई रियली रियली लव दिस प्लेस अ लॉट। ये मेरा लंदन का बैग भी देख लेते हैं, छोटे बैग है और ये है, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है, ये हम कुछ भी एडजस्ट करें It has been of no use. Yeah, because this is centralized. वो लोग ने हमें स्विच दिया है कंट्रोल करने के लिए, बट मोस्टली वो नीचे वो लोग रिसेप्शन में बैठते हैं, वो लोग ही सेंट्रलाइज सेटिंग रखते हैं अपना और वो ही चलता है। Let's get back to mine and Priyanka's common room. अगर मैं और प्रियंका अलग अलग रूम में रहते तो फिर लाइक हम लोग नेबर्स नहीं रहते, या तो फिर मेरे साथ कोई और रूम शेयर कर रहा होता। बट वी इंटेंशनली लुक फॉर अ प्लेस जहाँ पे हम दोनों नेबर्स की तरह रहे, हम यहाँ पे खाना बनाए, खाना खाए, वॉशरूम यूज करें, सो दैट वाज अबाउट इट। या आई होप आपको हमारा ये टूर अच्छा लगा। दिस इज वेयर वी लिव, दिस इज द किंग्स क्रॉस अर्बनिस्ट, एंड बहुत ही अच्छा टाइम हम लोग ने यहाँ पे स्पेंड किया है, करेंगे भी थोड़े टाइम और। इफ यू वॉन्ट टू सी मोर सच वीडियोज अबाउट आर लाइफ, इफ यू वॉन्ट अस टू शेयर मोर अबाउट वॉट वी डू, हाउ वी डू इट, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइएगा सो दैट यू विल गेट अ न्यू नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड न्यू वीडियोस। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा लंच हो गया है, बहुत मजा आया हमको गाइस, बहुत मजा आया हमको।